हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द धंधो ट्रेडर। आज हम लोग देखेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फार्मा सेक्टर के चार्ट्स। तो सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं। सो निफ्टी इज़ टेक्निकली लुकिंग लाइक कि काफ़ी बड़ा अप मूव देने के बाद ये जो एक कंटिन्यूशन पैटर्न था, इससे ब्रेकआउट दिया निफ्टी ने। वहाँ से करीब 1000 पॉइंट से ऊपर तक की रैली इसने 11,800 से दे के 10,800 से लगभग 11,800 तक की वो रैली दे दी है। ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। सो 11,750 तक का हाई बनाया है और अभी एक माइनर सा करेक्शन या कह सकते हैं इसमें आया था अराउंड 300 पॉइंट्स का, 11,400 तक गया। वहाँ से काफ़ी अच्छी बाइंग इसके अंदर आई है। अगर हम इसका निफ्टी फार्मा का चार्ट देखते हैं, सो निफ्टी फार्मा हैज़ बीन एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में चल रही थी कंपनी, ये सेक्टर। And it was primarily a very healthy, I would say, a correction of around 30-40%. ये करीब you know, it was at around 14,000, और 14,000 से correct होके ये around 8,000 तक गया, which was almost a correction of around 45-50%. करेक्शन के बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। यू नो, टेक्निकली इट वाज इन ओवरबॉट रेंज, रैली बहुत हैवी इसमें मूवमेंट आया था फार्मा सेक्टर में, और फार्मा सेक्टर में इतना बड़ा करेक्शन आने के बाद, इतना बड़ा एक रैली आने के बाद एक करेक्शन लाजमी था, विच इज़ बेसिकली कॉल्ड ए प्राइस वाइज कनेक्शन करेक्शन, और वैल्यूशंस भी काफ़ी स्ट्रेस्ड हो गए थे। तो अगर हम चार्ट्स देखते हैं तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट जो है, वो जो सबसे एक बुलिश चार्ट जो लग रहा है, वो लुपिन का लग रहा है। सो लुपिन ने अपना एक ब्रेकआउट लेवल दिया था लास्ट 2013 में, जब ये 766 के ऊपर क्लोज हुआ था, और 766 पे क्लोज होने के बाद ये एक बहुत तेज बुल मूव में था, एंड इट रीच्ड टिल द हाई ऑफ अराउंड 2115 तक ये गया, और वहाँ पे आने के बाद इसमें एक डबल टॉप टाइप का बनाया, थोड़ा सा ऑलमोस्ट उसी लेवल पे बनाया, और वहाँ से करेक्ट होता गया फार्मा सेक्टर के साथ, एंड इट कम्प्लीटली फिजल्ड आउट इट्स रैली 100%। जहाँ से शुरू हुआ था लगभग वहीं पहुँचा, और अगर इसका रिसेंट मूव देखें तो ऑलमोस्ट हर रैली में मेजर इसमें सेलिंग आ रही थी, और ये सेलिंग यू नो काफ़ी हैवी सेलिंग थी, और पर अभी लास्ट 2-3 मंथ से इसके अंदर एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन देखा जा रहा है इसकी। अराउंड 700 के लेवल से ये कई बार बाउंस बैक हुआ, और ये 63-day पीरियड का, 63-week का यू नो एवरेजेस हैं, वहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, और एक नैरो जोन के अंदर इसका कंसोलिडेशन हो रहा था। ऊपर की तरफ अगर आप लेवल पकड़े तो ये करीब 925 के उधर, और नीचे की तरफ 729, और लगभग ये इधर 780, अराउंड 800 के लेवल पे कंसोलिडेट हुआ है काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी लंबे समय से, और वहाँ से इसने एक ब्रेकआउट दिया है। और टेक्निकली लास्ट 2 वीक पहले इसने एक बाय सिग्नल जनरेट किया था, जो अभी कंफर्म हो गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अब इसके अंदर एक अच्छा मूव आना चाहिए, जो इसको लगभग नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर करीब 25-30% ऊपर तक ले जा सकता है। फंडामेंटली ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, और बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की इसमें बहुत बड़ी होल्डिंग है, सो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा एक शेयर पोर्टफोलियो के लिए बन सकता है। पर्सनली यू नो मैं भी इसको होल्ड करने का सोच रहा हूँ। नाउ द सेकेंड चार्ट डेट आई एम लुकिंग एट, जो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो है हिकल का। ये एक छोटी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, एंड दिस इज़ प्राइमरली ओन्ड बाय कल्याणी ग्रुप, और ये क्रॉप प्रोटेक्शन में, फंगीसाइड्स में, और ये फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेट करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, छोटी कंपनी है, एंड इसमें काफ़ी एक अच्छा मूव इसमें भी आया है पूरे बुल रन के साथ। और जब फार्मा में एक अच्छी बड़ी गिरावट आ रही थी, तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आई, इनफैक्ट ये साइडवेज चला गया कंसोलिडेशन मोड में। और अगर आप देखें तो लगभग 2017 लगभग एक साल से, और उससे पहले से ये कंसोलिडेशन बिल्कुल साइडवेज कंटिन्यूशन रेक्टेंगल पैटर्न में चल रहा था, और अभी इसने एक बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ एक बड़ा, काफ़ी बड़ा उछाल दिया है। अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें इसको, तो एक काफ़ी बड़ा इसमें अप मूव आया है, और ये अचानक से 135 के लेवल से विदिन 2 वीक्स ही
लगभग 35% की या 36% की रैली देके इसने अपने ब्रेकआउट लेवल्स को तोड़ दिया है। तो मैंने इसके बारे में जब और पढ़ा तो पता चला कि एक स्टार इन्वेस्टर आशीष कचोलिया ने भी इसमें स्टेक ली है, और ये अगर आप देखें इसने काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अपना एक लेवल ब्रेकआउट किया है, बट काफ़ी तेज़ी से प्राइस मूवमेंट आया है, तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर एक प्राइस करेक्शन आना चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन वॉच आउट फॉर। कंपनी के वैल्यूएशंस जो हैं अराउंड 30 PE पे हैं और EPS ग्रोथ रेट अराउंड 15% है। मैनेजमेंट इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ गिविंग 15-20% इंक्रीज इन सेल EPS फॉर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। सो दिस इज़ समथिंग टू वॉच आउट फॉर। तीसरा जो शेयर है ये भी फार्मा सेक्टर का ही है, और ये शेयर है सनफार्मा। सनफार्मा का भी जो आप चार्ट देखेंगे एग्जैक्टली सेम चार्ट है इसका। जब ये लास्ट इसने भी अपनी रैली अराउंड 2013 में ही स्टार्ट की थी, और 2013 से ये लगभग बहुत तेज़ी से यू नो ऊपर गया, और उसके बाद इसने भी मेजर करेक्शन देके अपना यू नो एक 400 के लेवल पे 430 के लेवल पे इसने डबल बॉटम बनाया, और वहाँ से एक बार ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है वीकली चार्ट पे। और वीकली चार्ट पे जो इसकी रेजिस्टेंसेस थी प्रीवियस रेजिस्टेंसेस, उन सारी रेजिस्टेंसेस को के ऊपर कंटिन्यूसली एक दो वीक से ये क्लोजर दे रहा है। और अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ ये वॉल्यूम्स जो हैं काफ़ी इसमें तेज़ी से जब भी ये ऊपर गया है हाई वॉल्यूम्स के साथ ऊपर गया है, जब भी इसमें माइनर करेक्शंस आए हैं वॉल्यूम्स रिलेटिवली कम रहे हैं, यानी कि इसके अंदर डिमांड जो है वो सेलिंग के लिए जो है, जब सेलिंग हो रही है प्राइस करेक्शन हो रहा है तो नीचे इतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं आ रही है ऊपर के लेवल पे सेलिंग के लिए, और जो बाइंग है वो लगता है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में बाइंग हो रही है। और ये जो इसका करंट ब्रेकआउट लेवल था, जो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, उसको इसने तोड़ दिया है। तो यहाँ से ये स्टॉक को 709 रुपये पे रेजिस्टेंस दिख रही है, और उसके ऊपर भी ये मेरे ख्याल से एक अच्छी अप मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। सो दीज आर द स्टॉक्स दैट आई फील दैट आर लुकिंग गुड एंड आई एम पर्सनली वॉचिंग देम आउट। आई मे बाय देम, आई एम प्लानिंग टू बाय देम, और आई मे नॉट इवन बाय देम। सो प्लीज़ टेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन एडवाइजरी फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस चैनल इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पसेस। You can subscribe to my channel by pressing the subscribe button and also the bell icon so that you can get regular updates. I look forward to catching up with you next week. Thanks.